ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। अभी वर्तमान में अगर आप कोई तकलीफ़ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सप्ताह में एक दिन इस पौधे को, इस पेड़ को आप जल दे दीजिए और फिर देखिए कमाल। ये इसलिए बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि कई सारी परेशानियों के लिए हम कई सारे प्रयत्न करते हैं, ये उपाय करते हैं, वो उपाय करते हैं। जैसे जिन जातकों का बिजनेस नहीं चल रहा, जिन जातकों को शादी नहीं हो रही या शादी में तनाव हो रहा है, पारिवारिक ग्रह क्लेश होता है, काम नहीं बनते, रुके हुए पैसे नहीं आते हैं, मतलब कुल मिलाकर जितनी सारी परेशानियां हैं वो परेशानियां हमें एक एक घेरते जाती हैं और हम इन परेशानियों के हल के लिए बहुत हद तक बहुत परेशान होते हैं। उनके कुछ हल हो जाए, कुछ उपाय हो जाए जिससे कि हम इससे बाहर निकल जाए, बहुत प्रयास करते हैं पर ये नहीं हो पाते। लेकिन आज सिर्फ आपको 7 दिनों में एक पौधे को, एक पेड़ को जल देना है और उसके साथ कुछ उपाय करना है जिससे कि आप इस तरह की कोई भी परेशानी अगर जीवन में कभी भी आए तो उससे बाहर आने का एक सकारात्मक आपको तरीका मिल सकता है। तो इस पूरे वीडियो को आप पूरा और अंत तक देखें, मेरी बातों को बहुत बारीकी से समझें ताकि आपके जीवन में आपको फ़ायदा हो पाए। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ। कमेंट्स में आप लिखें ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर ही चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, तो एक आदत आप डाल लें कि पौधे लगाना शुरू करें, चाहे साल में एक पेड़ लगाएं लेकिन पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं तो बहुत से जातकों को ये कहता हूँ कि आपके कई सारे ग्रह दोष स्वतः ही पेड़ लगाने से खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए कोई भी पेड़ जीवन में एक जरूर लगाएं, सबसे पहली चीज़। अब दूसरी जो बात है, करना कौन से पेड़ को आपको जल चढ़ाना है। आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, उसको शनिवार के दिन जरूर 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 आपको जल चढ़ाना है, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखना है। देखिए दोस्तों, याद रहे कि शनिवार के दिन जल चढ़ाएं 12 बजे बाद। कई सारे जातक ये नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, कोशिश करें अगर 12 बजे हो पाए तो ठीक है, दोपहर के। अगर नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप दिन में भी चढ़ा दें, सुबह 7 बजे, 8 बजे, जब आपकी इच्छा हो, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी चढ़ा दें। पर अगर आप उस दिन अच्छे से अगर हो पाता है और 12 बजे अगर चढ़ा पाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई वक्त के लिए पाबंदी नहीं है। एक और बात है इसमें कि अब शनिवार के दिन अगर हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, ये भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। और ये जो उपाय है, ये घर में रुके हुए काम, शादी ना हो पाना, दाम्पत्य, मतलब जो सारी तकलीफें हैं ना, उन तकलीफ़ों का हल इन उपायों से हो सकता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में नमस्कार लिखें। नमस्कार।